नमस्कार, आप देख रहे हैं CTTV24 यू चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। थाना फकरपुर की स्थिति बहुत ही दयनीय दिखाई दे रही है। बता दें कि पीड़ित का नाम अमित कुमार कश्यप है, जिसने थाना फकरपुर में 3 माह से लगभग थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस मामले को निपटारा नहीं कर पा रही है। मंडल वेद प्रकाश तिवारी जी थाने पर गए और सिपाहियों के द्वारा ट्रैक्टर के लेन देन की बात को कहकर निपटाया गया। उसके बाद मामले को दूसरे दिन करने की बात रखी गई। आज पीड़ित थाने पर गया। इंस्पेक्टर परमानंद तिवारी के द्वारा उसके साथ अभद्रता की गई, पीड़ित को भगा दिया, जो कि वहाँ पर विपक्ष की तरफ से 50,000 रुपये देकर थाने को बिकवा दिया गया है। पत्रकार की बात को ना सुनते हुए इंस्पेक्टर ने मामला करने से साफ इनकार कर दिया। थाने में मामला ये नहीं निपट पाएगा तो पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि कहां पर निपटेगा था, तब इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं कहकर अगर न्याय के द्वार पर न्याय नहीं मिलेगा तो पीड़ित दर दर भटकता रहेगा। इस पर खबर को सभी पत्रकार भाई ध्यान में रखते हुए तेजी से वायरल करें, जो कि पैसे पर बिक रही थाने के पुलिस, पैसा दो जो मन में आए वो करो। अब मंडल प्रभारी वेद प्रकाश तिवारी के द्वारा अपनी टीम के साथ में लेते हुए कल पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच के यहाँ ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है। अब खबर वायरल होने के बाद भारत सरकार के द्वारा या उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है इस थाना अध्यक्ष महोदय के ऊपर, जो कि यहां पर लगभग 8 माह से थाने में कार अफसरों के थाने में रहना नामुमकिन है। CTTV24 न्यूज चैनल से मंडल हेड वेद प्रकाश तिवारी की खास रिपोर्ट। हेलो हेलो हेलो, जय हिंद सर। अरे वेद प्रकाश त्रिपाठी बात कर रहे हैं गोंडा से। महोदय, कल हम आपके यहाँ थाने पे आए थे, उस मामले को ट्रैक्टर वाले को निपटाए थे, तो महोदय इसमें क्या हुआ? कौन ट्रैक्टर वाला महोदय? अरे यही ट्रैक्टर का जो लालपुर का वो लड़का आया था, क्या नाम है, ट्रैक्टर को लेकर के 80,000 रुपए पे रखा था शायद। हाँ, तो उसको कल मामला हो गया था, निपट गया था मामला। बहुत मामला निपटा, मामला ही निपटा था कि ये किस्त वो जमा कर देंगे 35,000 की, बाकी 80,000 वापिस कर देंगे और ट्रैक्टर ले लें। बात खत्म। तो हम तो नहीं जानते मामला अगर निपटा दिए थे, अगर मेरे सामने सब आ गए दोनों पक्ष। फिर असल में महोदय ये हुआ था, आपके यहाँ सिपाही थे तो उनके सामने हुआ था कि कल आएंगे, कल यहाँ से क्या नाम है पैसा वैसा लेन देन करके निपटवा देंगे। हाँ, बाकी कल बात हो गई थी महोदय, कल हमने क्या नाम है पूरा दिन हर्जा किया है, गोंडा से वहाँ गए हैं। फिर भाई वो आप जानिए, आपका काम जाना है, नहीं निपटा तो भी तुम्हारे सामने यहाँ बैठे हैं दोनों पार्टी सुबह से आकर के 10 बजे से। जी हाँ, तो हम ही भेजे थे 10 बजे, 10 बजे बात हुई थी कि कल भेज के वहीं से फाइनल कर लेना, बाकी कल ही बात करना चाहिए था ना। वो एक कम से कम 4 लोगों से पैसा लिया थे, 14,000 15,000 एकदम झूठा है वो महोदय। ऐसा है, वो बहुत लचीला मामला है, उस मामले की गहराई बहुत अंदर तक है, लेकिन हमारे समझ में जो आता है यही है। जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख की गाड़ी लिखा है, वो मैं देखता हूँ, जो लिखा है उस पर 10 लाख फोटो लगा वो मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो उस मामले को कल हम निपटवा दिए थे, वो पक्ष हाहारी भरे थे, ये भी भरे थे कि हम 35,000 एक किस्त कटवा देंगे, 80,000 ले लेंगे, इसके बाद ट्रैक्टर इनको दे देंगे। 1,20,000 उसमें लिखा है, तो 35,000 बताए थे क्या? नहीं, 80,000 बताए थे कि 80,000 बताए थे कि हमने दिया था इनको, इसके बाद में ये बताए थे कि हम किस्त भरेंगे 6 महीने के लिए, मतलब 6 महीने के जो किस्त होते हैं वो 35,000 के हिसाब से 17,200 हुआ और 80,000 ये क्या नाम इनको दिए थे। अब हमसे बात मत करिए, उन लोगों से बात कर लीजिए, ठीक है? ठीक है महोदय, नहीं निपटेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा मामला को, आगे निपटेंगे जा करके। अरे आगे की नहीं, जब आपका कहना नहीं मानेंगे और वो आपका कहना नहीं मानेंगे महोदय, तो इसमें आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? मुकदमा लिखा जाएगा, बस 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 बस। हाँ हाँ, बहुत सही कह रहे हैं आप। चलिए ठीक ठीक है महोदय।